जब रात होती है तो अगले दिन सुबह होने का इंतजार रहता है। आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह हो ही ना तो, यानी धरती से सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? आप जरा सोचो, अगर एक महीने या एक साल के लिए सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? ये हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी? हम सब जीवित बचेंगे या फिर मर जाएंगे? प्रकृति की एक ऐसी रचना जो पूरी दुनिया में उजाला फैलाता है, अगर आने वाले समय में यही खत्म हो जाए तो हम कैसे जिएंगे? आइए हम वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं कि अगर धरती से सूर्य खत्म हो जाएगा तो हमारी धरती पर क्या क्या परिवर्तन होंगे। सूर्य हमारी धरती को पिछले 4.5 अरब वर्षों से उजाला दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में सूर्य खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य की आयु लगभग 9 अरब वर्ष आंकी गई है, यानी सूर्य की उम्र महज 5 अरब वर्ष बची है। सूर्य अपने औसतन आयु के मुताबिक आधी से अधिक उम्र पार कर चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसका पथ निश्चित होता है। परिक्रमा करने का मुख्य कारण सूरज की तरफ से ग्रहों को अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति होती है, जिसे सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। लेकिन गतिशील होने के कारण ये ग्रह सूर्य में गिरते नहीं है। अगर ग्रहों की गति को रोक दिया जाए तो वह सूरज की ओर खिंच जाएंगे और उसमें गिर जाएंगे। इससे उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सूरज ही हमारी धरती को गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से कंट्रोल करता है। जरा सोचो, ये सूरज ही ब्रह्मांड से गायब हो जाए तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी को कौन नियंत्रित करेगा? अगर किसी कारण से सूरज अचानक गायब हो जाए तो सभी ग्रह, धूमकेतु और जो कुछ भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वे अपनी आगे की गति को बनाए रखेंगे। वे उसमें गिरने की बजाय अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में उड़ जाएंगे। ऐसे में हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में कहीं खो जाएंगी, क्योंकि सूरज की अनुपस्थिति में हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला कोई भी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से चिपक सकते हैं, या फिर उनमें जोरदार टक्कर भी हो सकती है। अगर अंतरिक्ष से सूरज गायब हो जाएगा तो इसका असर पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। सूरज की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर चारों तरफ हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा, और सौर मंडल में जो भी उठापटक होगी तो इसकी तुरंत भनक धरती पर रहने वाले लोगों को नहीं हो पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को अचानक अंधेरे का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसा अंधेरा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। हमारी धरती गर्मी को अच्छी तरह से बरकरार रखती है, इसलिए जीवन तुरंत खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, धरती से जीवों का अस्तित्व मिटने लगेगा। सूर्य हमारा ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिसके नहीं होने से हमारे प्राकृतिक वनस्पति, फसल सब नष्ट हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के खाने वाले पदार्थ जो फसलों से उगाए जाते हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद धरती पर खाने के लिए लूटपाट और नरसंहार शुरू हो जाएगा। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य के खत्म होते ही धरती पर ठंड तेजी से बढ़ेगी। अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। 0 डिग्री तापमान में पानी बर्फ बन जाता है, और अब पूरी दुनिया का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और अब पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं, क्योंकि सैटेलाइट, जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए, अब उसका पावर ऑफ हो चुका है। दुनिया के सारे समुद्र और नदियों का पानी जम चुका है, और ये सब हो रहा है -20 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के चलते। अब बिजली भी जा चुकी है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो भी अब जम चुका है, इसलिए बिजली से चलने वाला हर एक उपकरण बंद हो चुका है। सोचिए, ऐसी परिस्थिति में कौन से जीव जिंदा बचेंगे? तो होगा यह कि जैसे ही पृथ्वी पर -20 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री तापमान हो जाएगा, तो धरती पूरी तरह से ठंड की चादर में लिपट जाएगी। फिर पृथ्वी पर तेज बर्फीली हवाएं बहने लगेंगी। सूर्य के खत्म होने के बाद धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन कुछ जीव बचेंगे जो समुद्र के तल में रहते हैं, जिन्हें सूर्य की रोशनी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना भोजन धरती के केंद्र में छिपी ऊर्जा से तैयार करेंगे। कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि रात को चंद्रमा काफी चमकता है, तो ऐसे में हम चंद्रमा की रोशनी में अपना काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको बता दें कि सूर्य की रोशनी की वजह से ही चंद्रमा भी चमकता है, यानी चंद्रमा भी हमारा साथ छोड़ देगा। इन दोनों के जाने के बाद हमारे पास एकमात्र विकल्प तारों का बचेगा, जो हमें दूर से रोशनी देंगे, लेकिन सिर्फ चमकते हुए दिखाई देंगे और किसी काम के नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपने जाना कि अगर अचानक से हमारी धरती से सूरज गायब हो जाएगा तो हमारी धरती पर क्या क्या परिवर्तन।
परिवर्तन होंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।